हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सो मैं यश निगम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ अपने चैनल होटल मैनेजमेंट हेल्पर पे। बहुत सारे दिन से ये NCHM 2020 के एस्पिरेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सब प्लीज़ इस बारे में बताइए कि आखिरकार हम लोग कैसे प्रिपेयर करें। अब तो डेट भी आ गई है एग्ज़ाम की, तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करें कि हमें एक अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी रैंक आए, प्लीज़ ट्रिक शेयर कीजिए। तो उन सबको लेके मैंने यहाँ पे इस टॉपिक पे ये ऑडियो बनाया हुआ है कि हम लोगों को कैसे पढ़ना है। तो चलिए ऑडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई लोग, ये इस चीज़ से कभी ना डीमोटिवेट होना कि एग्ज़ाम की डेट पास आ रही है, हमने कुछ नहीं पढ़ा है, क्या होगा मेरा, कैसे एग्ज़ाम निकलेगा, कैसे हम लोग अब पढ़ेंगे, क्या होगा। तो उस बारे में कभी भी किसी को डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं। मैं मानता हूँ कि जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आती है, स्टूडेंट्स के अंदर फियर बढ़ जाता है, बहुत डर लगने लगता है कि यार क्या होगा, कैसा कंपटीशन आएगा, कैसा पेपर आएगा, मन में वो पेपर्स बनने लगते हैं कि यार ऐसा पेपर आ सकता है, ऐसा पेपर आ सकता है, ये होगा, अरे यार मेरा तो मैथ्स बहुत वीक है और मैथ्स आ गया 30 मार्क्स का, मैं उसमें फंस जाऊँगा, क्या करूँगा, क्या होगा। भाई फिर से मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप बेस्ट हो, आपने जितना पढ़ा है, आपको मैथ्स अगर नहीं समझ में भी आया है, जितना भी समझ में आया है, भाई आपने कुछ भी पढ़ा है, मैं कहता हूँ आप बेस्ट हो। ज़रूरी नहीं है हर बंदा 100% नहीं पढ़ सकता है। जितना आपने पढ़ा भाई, उतने में कॉन्फिडेंस रखो। जो भी आपने पढ़ा है उस चीज़ का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने अगर इतना पढ़ा है, अगर मैंने समझ लो 30% भी पढ़ा है, तो मुझे उस 30% पे कॉन्फिडेंस है। ये नहीं कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ कि यार अभी मैं 70% बचा है, सिर्फ 25 दिन बचे, कैसे पढ़ूँ। उस पर डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड ऑलवेज हैव टू बी चार्ज्ड अप। जितना चार्ज अप रहोगे, जितना मोटिवेट रहोगे, उतना लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और ये कॉम्पिटिटिव पेपर है, मैं मानता हूँ डर लगता है, पर भाई बी मोटिवेटेड, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को ट्रिक्स बता रहा हूँ अभी 25 दिन की कि कैसे आप लोग पढ़ोगे, और 100% इस श्योरिटी के साथ मैं ये कहता हूँ कि जितने बच्चे इस बार बैठेंगे पेपर देने, और जितना ये चैनल फॉलो करते हैं जितने बच्चे, सब के अच्छे मार्क्स आएंगे, सब सिर्फ इस ट्रिक पे। अब सिर्फ ये 25 दिन है, तो मैं जो अब ट्रिक्स आप लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ इस पे भाई पढ़ना शुरू कर दो, सिर्फ इस पे ध्यान दे दो, आप लोग का बहुत अच्छा पेपर चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अब कैसे पढ़ना है। तो भाई देखो, बहुत लोग कहते हैं कि यार अब 25 दिन बचे हैं, भाई तुम कंपटीशन का पेपर दे रहे हो, दिन में 6-6 घंटा 7-7 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, हर टॉपिक पढ़ो, हर टॉपिक की एक्सरसाइजेस लगाओ। भाई मैं ये किसी को नहीं रेफर करता हूँ, सीधा मैं ये बताता हूँ कि इतनी मनगढ़ंत कहानी बनाने से अच्छा है सीधा आप लोग पते की बात पे आओ कि भाई 6-7 घंटे पढ़ने से, आप पढ़ 6-7 घंटा रहे हो, उसका अगर आउटपुट आपका 1-2 घंटे का निकल रहा है, भाई 6-7 घंटे किसी का माइंड एकदम एक जगह पे फोकस करके नहीं लग सकता, कॉम्पिटेटिव पेपर हो चाहे जो। भाई मैं किसी को सबको ये मोटिवेट करके बोलता हूँ, 6 घंटा पढ़ना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को डेली 2 घंटा पढ़ना है। 2 घंटा भी बहुत से बच्चे लगातार नहीं पढ़ पाते हैं, तो 1 घंटा आप सुबह पढ़ो, 1 घंटा शाम पढ़ो, क्योंकि भाई 6 घंटा पढ़ने से क्या होगा, आपके दिमाग ख़राब होगा, आपको मन नहीं लगेगा पढ़ने में, फिर आप 1 दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, फिर 3रे दिन से आपका खुद नहीं मन करेगा या कि 6 घंटा कौन पढ़ोगे, बोर होने लगोगे। भाई मैं सीधा बताता हूँ, आप लोग का अच्छे मार्क्स आएंगे, सिर्फ आप लोग 2 घंटा पढ़ो। अब क्या पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। भाई ज़्यादा अब तो इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि बुक का एक एक टॉपिक खोल के देखे, कि ये पेज देखे, कि जैसे ये वाला टॉपिक है हम इसको पढ़ना शुरू करें। भाई सिर्फ 2015 से लेके 2019 तक के 4 साल के पेपर्स आप लोग उठा लो। 4 साल के पेपर्स में जितना भी हो सके, भाई अगर आप लोग 4 साल के पेपर्स एक बार सॉल्व भी कर चुके हो, फिर से वो 4 साल के पेपर सॉल्व करो। एक बार सॉल्व करोगे, गलतियां होंगी, गलती से आप सीखोगे कि हाँ हमने यहाँ गलती की, यहाँ गलती की। सपोज़ करो 200 मार्क्स का पेपर है आपका, उसमें 100 स्कोर आया, 100 क्वेश्चन नहीं आपको आते थे या गलत हुए, 100 आपका स्कोर आया, फिर दोबारा उस पेपर को दो। अगर आप लोग पहले दे चुके हो, जिन्होंने अभी तक पेपर नहीं दिए, तो वो अब पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। पेपर में भी भाई कुछ नहीं सॉल्व करना है, मैं जैसा बता रहा हूँ भाई वैसा फॉलो करो, बहुत अच्छा रैंक आपका आ जाएगा और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सबसे पहले जब आप पेपर उठाओगे, सबसे पहला जो पार्ट है जिस पे आपको ध्यान देना है, वो है आपका सर्विस सेक्टर। सबसे पहले आप फोकस करोगे अपने सर्विस सेक्टर पार्ट पे। 50 क्वेश्चंस उसके होते हैं, 50 मार्क्स का होता है, सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, और सबसे ज़्यादा आपका जो स्कोर करने का चांस होता है वो सिर्फ सर्विस सेक्टर से आता है। तो मैं सबसे पहले यही रेफर करूँगा, भाई आप लोग को सिर्फ बहुत ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। 2015 का पेपर उठाओ,
सर्विस सेक्टर के 50 क्वेश्चन है, लगाओ। फिर इतना इजी है, उसमें माइंड भी नहीं लगाना पड़ेगा, बोर भी नहीं होगे, क्योंकि इसलिए नहीं बोर होगे क्योंकि वो आप लोगों को इजीली आ जाएगा सर्विस सेक्टर। फिर 2016 का उठाए, 50 क्वेश्चन सर्विस सेक्टर के लगाए, अरे टिकी तो करना है, कितना टाइम लगेगा। 2017 का उठाए, 2018 का उठाए, 2019 का उठाया, ऐसे करके आप लोगों ने 4-5 साल के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के सर्विस सेक्टर कर डाला आपने। फिर उसके बाद उसको चेक, बहुत ज़्यादा 1 घंटा लगेगा या फिर 1.25 घंटा लगेगा आपको ये 4-5 साल के सर्विस सेक्टर सॉल्व करने में। फिर उसके बाद आप जब चेक करोगे, तो भाई जब चेक करोगे ना, अंदर से आप मोटिवेट हो जाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ हमें सर्विस सेक्टर आ गया है, हमारा इसमें स्कोर अच्छा आ रहा है, बहुत कम गलतियाँ होंगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग का सर्विस सेक्टर ख़त्म हुआ। ये मैं नहीं कहता हूँ कि देखो भाई, बहुत लोगों की मैथ्स वीक होती है, बहुत लोगों की जीके वीक होती है, बहुत लोगों की इंग्लिश वीक होती है। सबसे पहले मैंने इसीलिए कहा कि अगर आप सबसे पहले मैथ्स लगाना शुरू कर दोगे, सबसे पहले रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दोगे, तो कहीं ना कहीं भाई आप लोग, अगर मैथ्स नहीं समझ में आएगी तो डीमोटिवेट हो जाओगे, लगेगा कि भाई मुझे मैथ्स नहीं समझ में आ रही है, मैं आगे कैसे करूँगा, कैसे आगे बढ़ूँगा, तो भाई डीमोटिवेट होते जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो मैंने ट्रिक अपनाई थी वही शॉर्ट फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ, कि सबसे पहले आप लोग सर्विस सेक्टर को पकड़ना। सर्विस सेक्टर में ऐसे आप लोगों ने 1.25 घंटे में 5 ईयर्स के सर्विस सेक्टर कंप्लीट कर लिया। बस बुक की कोई एक्सरसाइज नहीं देखनी है, एक और चीज़ नहीं देखनी है बुक में कि पीछे क्या दिया हुआ है, क्या एक्सरसाइजेज है, कुछ नहीं, क्योंकि अब हम लोगों के पास सिर्फ 25 दिन बचे हैं और हम लोग को 6 घंटा नहीं पढ़ना है। दिखाना नहीं है कि हम 6 घंटा पढ़ के हम ये कर लें वो कर लें, सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है दिन भर में, बहुत ज़्यादा। भाई कॉन्फिडेंस अपने आप में रखो, अगर खुद पे कॉन्फिडेंस है ना भाई, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। सर्विस सेक्टर उठाओ, सर्विस सेक्टर आपका जैसे ही ओवर हुआ, फिर उसके बाद आप आओगे दूसरा टॉपिक है इंग्लिश। इंग्लिश में मैं सबसे पहले आप लोगों को रिफ़र करूंगा, सबसे पहले आप लोग 2015 से 2019 तक के पेपर्स के वो पैसेजेस कर लो, क्योंकि देखो भाई 60 मार्क्स का है इंग्लिश का, वो आता है आप लोगों का उसमें कंटेंट होता है, उसमें से 20% जो आपका वेटेज लेता है वो लेता है पैसेजेस, 20 मार्क्स से आपका पैसेज आता है। तो भाई सबसे पहले आप लोग पैसेज पढ़ना शुरू कर दो, पैसेजेस, अनसीन पैसेजेस, जैसे 2015 के लगाए, फिर 16 लगाए, 17 लगाए, 18 लगाए और 19 लगाया, ये 5 साल के पैसेजेस आप लोग कर लो। बहुत बड़ा वेटेज होता है, कभी 20 मार्क्स के आते हैं, कभी 25 मार्क्स से आते हैं, और इवन तो ये भी नहीं किसी को पता कौन 30 मार्क्स से पैसेजेस आ जाएं। ऐसे करके आप लोगों को पैसेजेस सॉल्व करने हैं, सबसे पहले इंग्लिश में पैसेजेस आप लोगों के सॉल्व हो गए, इंग्लिश का जो सबसे बड़ा कंटेंट था वो आप लोगों ने ओवर कर लिया, आप लोगों को समझ में आ गया। फिर उसके बाद आप लोग बढ़ो शॉर्ट एक्सरसाइजेस पे, जैसे आपके आर्टिकल्स हो गए, एन दा सिर्फ प्रीवियस ईयर्स पेपर से सॉल्व करो। अब एंटोनिम्स सिनोनिम्स का बहुत बड़ा खेल होता है, आदमी इसमें डरता है यार कि कैसे पढ़ेंगे, आखिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स में होगा क्या, हमें कैसे पढ़ना है। भाई बुक के पीछे की एक्सरसाइजेस बाबा पलट के नहीं देखनी है, सिर्फ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में एंटोनिम्स सिनोनिम्स आए वो याद कर लो, इजिली आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी हो गया। ईडियम फ्रेजेस प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आए वो पढ़ लो, ईडियम फ्रेजेस आप लोगों के हो गए, क्योंकि अब भाई इतना टाइम नहीं है कि आप लोग एक्सरसाइजेस को लो, और प्रीवियस ईयर्स पेपर का ही बहुत बड़ा वेटेज होता है कि वो आपको अच्छा रैंक भी दिलवा सकता है, अच्छा कॉलेज भी दिलवा सकता है, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया बहुत इजली आप लोगों का ये चीज़ ओवर हो जाएगा, सब कुछ आराम से हो जाएगा। ऐसे करके आप लोगों ने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर्स पेपर से आप लोगों ने इंग्लिश कर ली, इंग्लिश आप लोगों की टोटली कम्प्लीट हो गई। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे, कि रीजनिंग कैसे करनी है। तो भाई रीजनिंग टॉपिक ऐसा है ना कि वो अनसर्टेन होता है, कुछ भी उसमें रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकते हैं जो टॉपिक्स हैं। और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स करोगे ना, रीजनिंग पार्ट स्पेशली, तो उसमें क्वेश्चंस आप लोगों को हमेशा सेम रहते हैं, बस वो आप लोगों को घुमा के पूछ लेते हैं, कि जैसे उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन वही है बट उसका लैंग्वेज थोड़ा सा वैसा चेंज कर दिया, थोड़ा सा आप लोगों को डाइवर्ट कर दिया कि आप लोग कंफ्यूज हो। भाई कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक की एक्सरसाइजेस नहीं लगानी है, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की रीजनिंग जितना भी दिया हुआ है उतना पढ़ लो, नहीं अगर समझ में आ रहा है नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है बुक में, सॉल्यूशन को एक बार देख लो, सॉल्यूशन पढ़ लो। रीजनिंग बहुत ईजी है, बहुत लोगों का हो जाता है क्योंकि ब्लड रिलेशन आता है यार, इजी टॉपिक्स इसमें होते हैं कि ट्री आता है, वो सब बना लोगे, बहुत इजी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, रीजनिंग इजली आपको निकल जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि जीके और मैथ्स कैसे पढ़ें।
तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई हैं कि कैसे जीके और मैथ्स पढ़नी है, तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा हुआ है कि जीके और मैथ्स कैसे पढ़नी है, तो वो लोग जाके डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में पढ़ लेना कि आखिरकार कैसे पढ़ना है, क्या करना है जीके और उसमें मैथ्स में कैसे अच्छा स्कोर करना है, उसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई हैं। फिर भी मैं आपको जीके की एक बार बताए दे रहा हूँ, क्योंकि अब सिर्फ 25 दिन बचे हैं, तो जीके में आप लोग कैसा अच्छा करो। तो भाई जीके होती है अनसर्टेन, कुछ भी आ सकता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग गूगल पे जाना, उसमें डालना प्रीवियस 6 मंथ्स इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पीडीएफ, प्रीवियस 6 मंथ्स इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पीडीएफ, ये आप लोग गूगल पे डालोगे, खुल के आएगा सबसे पहली वाली, उस पर आप क्लिक करना। उस पर जितनी पीडीएफ्स हैं वो आप जाके एक बार डाउनलोड कर लेना। मैं ये नहीं कहूँगा उसको याद करो, उसको लिखो, सिर्फ एक बार उसको आप रीड कर लेना। जैसे आप लोगों ने एक दिन में सपोज करो आपने सितंबर की पूरी पढ़ ली, सिर्फ रीड किया, मतलब उसको याद नहीं किया, फिर दूसरे दिन अक्टूबर की पढ़ी, फिर तीसरे दिन आपने सितंबर अक्टूबर रिवीजन कर ली, भाई ऐसे कर लोगे बहुत अच्छा आप लोगों का स्कोर आ जाएगा। और मैं जीके के लिए एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपको बताना चाह रहा हूँ, ये देख लेना आपके बहुत यूज़फुल आएगा। इस बार जीके सेक्शन में जो 4 से 5 क्वेश्चन आपके फंसेंगे वो 100% कोविड इंडस्ट्री से रिलेटेड फंसेंगे। उसके अलावा ये आएगा कि होटल इंडस्ट्री को मतलब कितने % लॉस हुआ है, क्या हुआ है होटल इंडस्ट्री में, वो सब आप लोग पढ़ लेना कि होटल इंडस्ट्री में क्या हुआ है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि होटल्स कहाँ कहाँ ओपन होने, तो मैंने वो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ नहीं उसमें पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ लेना कि ये होटल इस दिन, जैसे ओबरॉय अमर विलास कहाँ पे, 4 ऑप्शन दे दिए गए, आगरा, तो उसके लिए जैसे www.obroyhotels.com उस पे जाके साइट पे विजिट कर लेना, आप लोगों को ऐसे उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे होटल्स इंडस्ट्री के रिलेटेड, और कोविड-19 से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो भाई ये हो गया जीके का। मैथ्स का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वैसे पढ़ लेना। तो यही मैं अपने टॉपिक एंड करता हूँ। सभी जितने भी NCHM 2020 के एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, भाई मोटिवेटेड रहो आगे, अभी और आप लोगों के लिए मैं मोटिवेटेड वीडियोस बनाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। यही मैं ट्रिक आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि भाई हड़बड़ाना नहीं है, सिर्फ 25 दिन है, 25 दिन में आप लोगों को, ये नहीं दिन में 6 घंटा पढ़ना है, सिर्फ अगर भाई आप 2 घंटा भी पढ़ोगे ना बहुत है आपके लिए। तो ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और जल्दी आप लोगों के लिए एक मोटिवेटेड वीडियो आने वाला है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा आप लोगों को। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।